नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली की हवा खराब। दिल्ली में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के बाद अब मौसम बदल गया है। बारिश के दौरान राष्ट्रीय राजधानी की हवा साफ रही और लोगों को अच्छी हवा में सांस लेने का मौका मिला, लेकिन एक बार फिर दिल्ली की आबो हवा खराब होने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही पॉल्यूशन भी तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान संस्थान ने वायु गुणवत्ता के संबंध में अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक 18 अक्टूबर से अगले 6 दिन तक हवा मध्यम से खराब श्रेणी में रहने वाली है। आज की बात करें तो हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में और रविवार को भी खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में दीपावली का त्योहार आ रहा है, ऐसे में आतिशबाजी और पटाखों के धुएं से स्थिति और गंभीर हो सकती है। फरवरी 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी ने दिल्ली की खराब हवा पर पटाखों के असर पर एक स्टडी की थी। इसके लिए 2013 से 2016 तक का डेटा लिया गया था। इसके आधार पर दावा किया गया था कि दीपावली के अगले दिन दिल्ली में हर साल PM2.5 की मात्रा 40% तक बढ़ गई है। वहीं दीपावली की शाम 6 बजे से रात 11 बजे के बीच PM2.5 में 100% की बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह मई 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में 2020 की दीपावली के पहले और बाद के वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की जानकारी दी गई थी। इस रिपोर्ट में दिल्ली, भोपाल, आगरा, बेंगलुरु समेत 8 शहरों का डेटा था। रिपोर्ट में बताया गया था कि दीपावली के बाद अगले दिन 8 शहरों में PM10 की मात्रा में 22% से 114% की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि 22% से 114% की बढ़ोतरी की गई थी। इसके मुताबिक दिल्ली के बाद यहां दीपावली के बाद की अगर बात की जाए तो दिवाली के बाद दिल्ली में PM10 की मात्रा 67.1% बढ़ गई थी, जबकि लखनऊ में ये 114% बढ़ गई थी। वहीं दिल्ली में PM2.5 की मात्रा 82.9% और लखनऊ में 67.6% तक बढ़ गई थी। हवा कितनी खराब या अच्छी है ये AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से ही पता चलता है। AQI जब 0 से 50 के बीच होता है उसे अच्छा माना जाता है, जबकि 401 से 500 के बीच होने पर इसे काफी गंभीर माना जाता है। 2016 में पुणे स्थित रिसर्च फाउंडेशन की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में जो जानकारी सामने आई थी वो बताती है कि जितना हम सोचते हैं पटाखे उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। 2,932 सिगरेट जलाने पर जितना पॉल्यूशन होता है उतना दीपावली पर एक सांप की गोली जलाने पर दर्ज किया जाता है। एक फुलझड़ी जलाने पर 472 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। एक अनार से 221 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बारिश की वजह से जो पराली नहीं जलाई गई वो अब एक साथ जलाई जाएगी, जिससे दिल्ली NCR और गंगा के आसपास के मैदानी इलाके में तेजी से प्रदूषण बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर में 30-70% की वृद्धि का अनुमान है, क्योंकि अगली फसल का मौसम तेजी से आ रहा है। इसके लिए पराली सूखते ही किसान इसे जला देंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक वायु प्रदूषण में स्पाइक को तुरंत रोकने का इकलौता तरीका यह है कि सरकार किसानों से सभी पराली ले ले और इसे जैव ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए उपयोग करे। अन्य तरीकों में ज्यादा समय लगने की संभावना है, क्योंकि पराली को खेतों में मिलाया जाता है जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है। वातावरण में मौजूद PM2.5 बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमारे बालों से भी 100 गुना छोटा होता है।
हवा में जब इन कणों की मात्रा बढ़ जाती है तो विजिबिलिटी प्रभावित होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर में जाकर खून में घुल जाते हैं। इससे अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत होती है। एक रिपोर्ट बताती है कि खराब हवा की वजह से उम्र भी कम हो जाती है। दुनिया में ये एवरेज 2.2 ईयर का है, जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 9.7 साल और उत्तर प्रदेश में 9.5 साल का है। यानी अगर आप दिल्ली में हैं तो खराब हवा की वजह से आपकी उम्र में 9 साल 7 महीने की कमी आ सकती है। साइंस जर्नल लेसेंट की एक स्टडी बताती है कि 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल खराब हवा की वजह से 70 लाख लोग बेमौत मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की 99% आबादी खराब हवा में सांस ले रही है। दीपावली आते ही दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। दिल्ली में इस बार भी पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक लग गई है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में पटाखों पर 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह से रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी तरह के पटाखों पर बैन रहेगा, इसकी ऑनलाइन बिक्री भी नहीं हो सकेगी। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए सिर्फ पटाखों पर प्रतिबंध ही काफी नहीं है, बल्कि दूसरे सोर्स भी हैं जो हवा खराब करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और थर्मल पावर प्लांट। एक्सपर्ट के मुताबिक गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। सरकार सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करती है, पर जानकार इसे स्थायी समाधान नहीं मानते हैं। इसके साथ सरकार प्रदूषण बढ़ने पर निर्माणाधीन कार्यों पर रोक लगाती है। तो दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब होने लगी है और इसी को लेकर हम यहां चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नितेश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ आर के मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, उपासना सिंह, आप प्रदूषण एक्सपर्ट हैं, और गौतम सिंह, एडवोकेट एनजीटी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चौरसिया जी, सबसे पहला सवाल यहां पर आपसे ही कि 8 साल में तो आपने कुछ नहीं किया प्रदूषण के लिए, हर साल एक नया कारक जो है, नया कारण जो है वो आप खोज लेते हैं, इस बार किसको दोष देने वाले हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को और आप सभी पंडितों भी। आपने जो पहली लाइन बोली, मुझे लगता है कि इसी का मुझे जवाब देना चाहिए कि पिछले 8 सालों में कुछ नहीं हुआ। शायद अगर 8 सालों में कुछ नहीं होता तो आप इस बात के लिए चर्चा में इतनी लंबी चौड़ी। मैं यहाँ पर पोल्यूशन की बात कर रही हूँ, बाकी चीजों को लेकर नहीं कर रही हूँ। चौरसिया जी, विषय को समझिए, जो सरकार ने पिछले 8 सालों में करे हैं, देखिए उसका फायदा नुकसान ये इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने कुछ उसके लिए नहीं करा ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्वेश्चन मार्क बनता है खुद पे ही। खैर मैं आता हूँ। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, एनसीआर के अन्य इलाकों में भी, साथ साथ उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, गुजरात, अन्य उत्तर प्रदेश की बात ना करिए ना, दिल्ली की बात करिए, उत्तर प्रदेश पे ना जाइए। उत्तर प्रदेश की जब हमें बात करनी होगी तो उत्तर प्रदेश वालों को डिबेट में बुलाएंगे। फिलहाल हम आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहे हैं ना, तो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए इसका। मैं आपको एक सिर्फ देखिए, आपने आपकी बात का मैं जवाब ही दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। ठीक है, मेरा कहना यह है कि जैसे ही प्रदूषण की बात आती है तो प्रदूषण ना तो दिल्ली वाले के अलग है, ना ही उत्तर प्रदेश वाले के लिए अलग है, ना ही अन्य देश के अन्य किसी राज्य वालों के लिए अलग है। प्रदूषण प्रदूषण है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट, किसी भी क्षेत्र का हो। अब मैं आता हूँ दिल्ली सरकार ने क्या करा। देखिए दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों से लगातार प्रदूषण के लिए सबसे पहले और सख्ती से कदम उठाने वाली एकमात्र सरकार है। हमारी पंजाब में सरकार आ गई, पराली से आपने देखा होगा कि पराली से जिस तरीके से केसेस पिछले साल बढ़ते आए हैं, इस बार पराली से करके केसेस कितने कम हो गए हैं। पहले एफआईआर लगा दिए, केस इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि आपकी सरकार बन गई है,
क्योंकि आपकी सरकार वहां पर बन गई है। इससे पहले तो जब भी पोल्यूशन होता था आप पंजाब को दोष देते थे, मैं जवाब ले लेती हूँ मिश्रा जी, में पराली जल जाती है। मैं मिश्रा जी से जवाब ले लेती हूँ। मिश्रा जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के जो आईआईटी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पराली का लॉन्च करा, इतना बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। और मैं चाहता हूं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं इसको पूरे भारत स्तर पे इस चीज को लागू कर दें कि हर किसान को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिला जाए। जी जी रितु जी, ऐसा है, देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार, हम लोगों ने देखा है दिल्ली की जो प्रदूषण की समस्या है कोई आज से नहीं है, लेकिन इन सरकारों ने बिल्कुल ही ना ही संवेदनशीलता दिखाई। हमें तो ये लग रहा है क्योंकि दिल्ली की जनता की ऐसी क्या गलती है जो इन लोगों को इस तरह के काम के ऊपर में बिल्कुल भी मैं ध्यान देने के, मैं तो कह रहा हूँ प्रदूषण ही नहीं बल्कि और भी ऐसे विषय हमने जैसे देखा है जो कि इन्वायरमेंट सेस के नाम पर इन लोगों ने 1500 से ज्यादा करोड़ रुपए इन लोगों को वसूली किए, दिल्ली की जनता से वसूली किया है। हमने देखा है यमुना की सफाई के लिए इन्होंने केंद्र सरकार से 2500 करोड़ रुपए भी ले लिए, लेकिन यमुना की सफाई आज अगर हम देखते हैं किस स्थिति में है। आज स्मोक टावर की अगर हम बात करें तो ये लोग आज से स्मोक टावर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो गोपाल राय जी का मैं देख रहा था, मैं मीडिया रिपोर्ट में जैसे मैं देख रहा था वो कह रहे हैं क्योंकि नहीं इसके ऊपर में तो हमारी जो एक्शन टीम है वो बिल्कुल काम कर रही है। अरे भाई ग्रेडेड एक्शन जो रिस्पॉन्स टीम है वो आपने कब लगाया उस चीज को, क्या 8 सालों से अभी तक आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ हर एक साल दीपावली के समय में वो पराली की समस्या हो, चाहे आप पॉल्यूशन की समस्या हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की समस्या हो, आपने देखा है किस तरह से पेट्रोल हो या डीजल हो, चाहे इंडस्ट्रियल जितने पॉल्यूशन के जितने भी कारक है वो सारे फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है दिल्ली सरकार के बिल्कुल आंख में पता नहीं क्या डाल करके बैठी हुई है जो हर एक साल ये समस्या आने के बावजूद भी इन लोगों ने ध्यान बिल्कुल नहीं। अब देखिए जो कि 15 इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया मिश्रा जी, लेकिन आपने तो ध्यान दिया ना, आप ये बता दीजिए प्रदूषण के कारक में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी, थोड़ी बहुत भूमिका तो आपकी भी है क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, नीचे निगम में बीजेपी है, तो कोई ना कोई तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना यहाँ पर। ठीक बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरा एक चीज कहने का मतलब है केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूँ जो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आपने कहा एमसीटी भी जिम्मेदार है, मैं कहता हूँ जो हर एक चीज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। केवल आप मान लीजिए आप केंद्रीय टीम यहाँ पर अगर आकर के काम करेगी और राज्य सरकार उसको आप सहायता नहीं करेगी तो मैं तो कहता हूँ जो कि फिर तो काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये जो कहते हैं जो कि आप तुम उधर चलो मैं उधर चलता हूँ, ऐसे तो काम दिल्ली की समस्याओं का समाधान तो होगा नहीं। दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के इन समस्याओं से निवारण होगा। और जब अक्टूबर आता है, जब दीपावली आती है, जब छठ आता है, तब उसके ऊपर आप काम करना चालू करते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं तो आपको चौरसिया जी से मैं बिल्कुल चौरसिया जी बीजेपी कदम से कदम मिलाना चाहती है दिल्ली सरकार के साथ, हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहती है, लेकिन आप लोग हैं कि हाथ पकड़ना ही नहीं चाहते हैं, आरोप है आपके ऊपर। ये बताइए कि क्या गाजियाबाद में कुछ किसी भी काम कोई भी एक्शन लेने के लिए क्या दिल्ली सरकार की जरूरत है? हरियाणा में काम करने के लिए, गुड़गांव में काम करने की दिल्ली सरकार की जरूरत है? फरीदाबाद में काम करने के लिए, नोएडा में काम करने के लिए, सोनीपत में, पलवल में क्या दिल्ली सरकार की जरूरत है? आप एक चीज समझिए कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ही न्यूनतम है। अगर रितु जी मैं जवाब दूंगा, चलिए मैं मिश्रा जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। उपासना जी हमारे साथ हैं। उपासना जी सर सुन लीजिए उपासना जी, दिल्ली में अभी जो पॉल्यूशन है इसका क्या कारण है और ये स्वास्थ्य को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है? स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो तो मतलब सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं। हर साल हम लोग डिबेट करते हैं, फेफड़ों की परेशानियां हैं, सांस की परेशानियां हैं और जीवन आयु में कमी हो रही है, ये सब तो चीजें बढ़ ही रही हैं दिन पर दिन। सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो तो दिन पर दिन बढ़ ही रही हैं, और एयर प्यूरिफायर और ये सब लोग खरीद रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम ये चीजें लेंगे तो हमारे आसपास की जो वायु है वो साफ रहेगी, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हवा एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी तरीके से रोक ही नहीं सकते हैं। एक तरफ की हवा दूसरी तरफ तक जाएगी ही, और जो समस्या हर वर्ष हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है
उसके ऊपर राजनीतिक जो हमारी पार्टियां हैं उनका कोई ज्यादा मतलब ध्यान ही नहीं है। वो लोग इसको सिर्फ एक मुद्दा बना के कुछ समय के लिए चर्चा करते हैं और जब समय आता है उसको भूल जाते हैं। कभी कहते हैं पराली की वजह से है, कभी कहते हैं कि ये ग्लोबल समस्या है, पर एक जिसे कहते हैं दृढ़ निश्चय एक उनका है ही नहीं उसकी तरफ। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या हमारी दिल्ली की बढ़ती चली जा रही है और व्हीकल्स बहुत बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो या तो आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जैसे मेट्रो वगैरह है उनको आप बेहतर बनाएं और ज्यादा करें जिससे कि लोग पब्लिक व्हीकल को यूज करना कम करें, या आप उस समय के लिए कोई ऐसी नीति बनाएं कि जो लोग साइकिल इस्तेमाल करेंगे आने जाने के लिए उनको कोई इंसेंटिव मिलेगा या कुछ मिलेगा, तभी जाके ये सारी चीजें कम होंगी। और जो कूड़ा हवा में और जो सारी गैसेस कूड़े की वजह से इकट्ठी होती है निकलती हैं, कूड़ा का जो निस्तारण है वो भी इस पे भी एक काम करना है। यमुना नदी में से जो गैसेस निकलती हैं कूड़े की वजह से उस पे भी काम करना है। ये कितनी बड़ी व्यापक समस्या है कि किसी एक चीज पे हम कॉन्सेंट्रेट अगर कर लें, उसी को ठीक कर दें तो सब चीजें सुधरती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही आपने कहा और बहुत अच्छा सुझाव है यहाँ पर चौरसिया जी आप लोगों के लिए। गौतम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं एक बार सवाल ले लेती हूँ गौतम जी से। गौतम जी, कई बार भारी जुर्माना पाबंदी के बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण जो है वो नियंत्रण में नहीं आ रहा है, क्या मानते हैं आप, क्या कारण है? जी पहले सबको नमस्कार जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली मैं भी आज इसी पे मतलब बताना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा ना जुर्माने पे है, हमारे जितने भी लॉज लेजिस्लेशन है पार्टीज अपार्ट, पर सारा हमारा फोकस है कि जुर्माना लगा दो, जबकि हमें ये समझना होगा कि ये जो हम पॉल्यूशन बोल रहे हैं तो ये एक ऐसी जगह नहीं है कि कॉमर्शियल चीज है। आप जुर्माना लगा दोगे तो आप उसको रीइंस्टेट कर दोगे, आप उसको वापस से उसी जगह पे ले आओगे जहां वो था। अगर मैंने एक आग लगा दी और वो धुआं उड़ गया और मैं आपको 500 रुपए दे दूं तो क्या वो पॉल्यूशन खत्म होगा? कभी नहीं। जो मैंने करना था, जो हो गया था, वो हो गया पॉल्यूशन। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है नीतियों में, हमारे हर नीतियों में, कि कॉम्पनसेशन के साथ साथ हमें ऐड करना चाहिए कि आपको कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। आपने गलती एक बार की तो आप एक बार कूड़ा साफ करेंगे और अगले जला उस जगह पे आप कूड़ा नहीं होने देंगे दो दिन। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं बहुत जगह हमारे पूरे वर्ल्ड में है। आप जब कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा दो बार करेंगे कि ये आपके सजा का पात्र था तो आपसे 10 लोग और नहीं करेंगे कि पैसे तो दे सकता हूं मैं पर मैं ये कम्युनिटी सर्विस के लिए मुझे टाइम देना होगा, अवेयरनेस। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि जो हम बात कर रहे हैं ना, जितना मेजर वर्ग जहां से पॉल्यूशन बहुत बार गलती से होता है, दो वर्गों में अगर हम बांट लें, एक वर्ग है जिसको पता ही नहीं है, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको इस चीज से मतलब ही नहीं कि पॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब अगर मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करता हूँ दिल्ली की, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको हमें अवेयर करना है, जो वहां के पार्षद सांसद जो भी जो लोकल पर्सन अवेलेबल है हर पार्टी का हर नागरिक, वो उसको ना अगर एक बार अवेयर नहीं करेगा तो जो हमारे यहाँ कूड़ा लेने आता है ना, आपको क्या उनको पता है कि उस कूड़े को कैसे डील करना है? नहीं पता। ये हमने उनको कभी बताया ही नहीं, ना पता है। इवन एसडीएमसी या कोई भी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है वो उनको उसको सही से तरीका नहीं, उसको जब मौका मिलता है वो जला देता है। तो मुझे लगता है इन दो मेजर्स में अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, पॉइंट वाइज बात करूं, तो इज दैट वी हैव टू मेक देम अवेयर। सबको हमें बताना पड़ेगा कि हमें कम्युनिटी सर्विस लाना पड़ेगा, सिर्फ जुर्माना नहीं। जुर्मानों से कुछ नहीं होना, जुर्माना हम देते रहेंगे वो पैसे इकट्ठा करके करेंगे क्या? दूसरी चीज कि हमें अवेयरनेस, जो मैं बोल रहा हूँ, तो अवेयरनेस नीचे जो हमारी इन चीजों को वेस्ट को डील करते हैं उसमें, उससे बहुत फर्क पड़ने की उम्मीद है मुझे लगता है। उसके सिवा जो पराली है, जैसे टेक्नोलॉजी है फार्मर्स के लिए, तो फार्मर्स को भी हमें अवेयर देना है, हमें उनको टेक्नोलॉजी, इस पे बहुत सारे जजमेंट्स भी आ चुके हैं एनजीटी के कि हम इंसेंटिव देंगे, सरकारें इंसेंटिव भाई, और उन सरकारें इंसेंटिव जब वो देंगी तो इंसेंटिव देने के साथ साथ उनको चलाना भी बताएं उन मशीनों को। बिल्कुल सही कहा चौरसिया जी, बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पर गौतम जी की तरफ से दिए गए हैं, क्या आप इस पर कार्य करेंगे? गौतम जी की कई सारी बातें मैंने सुनी बड़े ध्यान से और कुछ सुझाव उनके काफी अच्छे भी लगे मुझे, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ये बात मैं आगे पटल पर रखूंगा। और इससे पहले मैं उपासना जी कुछ सवालों का जवाब देना चाहता था कि जिस तरीके के वो बता रहे थे कि यहाँ पे व्हीकल्स की बहुत ज्यादा समस्या है, व्हीकल्स से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी दिल्ली में सबसे पहले पूरे देश में दिल्ली ने लॉन्च करा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। आप चाहे ई रिक्शा लेते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, स्कूटी लेते हैं,
दिल्ली गवर्नमेंट एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट है जो उसको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, सो दैट कि थोड़ा सा पॉल्यूशन का जो लेवल है लोग अट्रैक्ट हो और पॉल्यूशन कम हो। इसी तरीके से अभी सख्त कदम में पहले जनरेटर चलते थे दिल्ली में, बिजली जाने की वजह से आज की परिवेश में बिजली जाती ही नहीं है, जिसकी वजह से जनरेटर का पॉल्यूशन हमने रोक दिया है। दिल्ली में पहले ग्रीन बेल्ट 20% के लगभग था, आज के समय में ग्रीन बेल्ट बढ़ के लगभग 24% के आसपास हो चुका है। तो लगातार ये सकारात्मक कदम हमारे जो है सरकार के बढ़ते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और नो डाउट इसमें सभी सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो हमारी पार्टी तो अक्सर मोदी से कहती है कि राष्ट्रीय स्तर की ये समस्या है, इस पर एक अच्छा सा एक अच्छी कमेटी बनानी चाहिए, एक अच्छे सुझाव लेने चाहिए, और इस पर राष्ट्रीय स्तर का कोई एक ऐसा टास्क फोर्स बनाया जाए जिससे कि एक मजबूत कार्रवाई हो सके। ये नहीं कि सीजन आते ही ब्लेम गेम शुरू हो गया। अब हरियाणा से जो चीज समस्या आती है, पंजाब तो अभी तक तो पंजाब से समस्या आती है, हम जिम्मेदार हैं। जो हरियाणा समस्या आती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दिल्ली एकमात्र दिल्ली से पोल्यूशन जनरेट हो रहा है? नहीं, मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत देर से राज्यों से मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं। अभी चौरसिया जी कह रहे थे जो कि हरियाणा से आ रही है कोई भी प्रदूषण की बातें, तो उनके कौन जिम्मेदार? मैं कह रहा हूँ हरियाणा सरकार से आपने कब उससे संपर्क किया? आप जब मैंने क्या कहा है, जो कि ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो पड़ोसी राज्य है, देखिए जब आपके बारे में तो वो बोले नहीं ना, उनका मौका है उनको भी बात देखिए। सुनिए आप पहले सबसे पहले पंजाब के ऊपर में चिकना फोड़ते थे, आज पंजाब आपके अंदर में है, केंद्र की इंटरफेरेंस से। अब ये चीज देखिए, ये चीज आपको ये चीज आपको मिश्रा जी चौरसिया जी, हर डिबेट में लड़ना जरूरी नहीं है ना कि हर डिबेट में लड़ा जाए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए ना, इस तरह का रास्ता अपनाइए। मैं कह रहा हूँ ये राज्य सरकार को परेशानी तो दिल्ली की जनता को हो रही है ना मिश्रा जी। जी मैं वही तुझे कह रहा हूँ, ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के साथ कहते हैं उसको तालमेल मिला करके हम दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। अब देखिए स्मॉग टावर की बात, इससे पहले 40-45 स्मॉग टावर की बात है, आज वो कह रहे हैं कि हम कम लागत के साथ स्मॉग टावर को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक ही चीज कहने का मतलब, इससे पहले 8 साल में आप कर क्या रहे थे? आप क्या अभी तक आपने उसको कोई कमेंट नहीं किया? आपने स्मॉग टावर के ऊपर में अभी भी बात ही कर रहे हैं? ये सारी समस्याएं राज्य सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मिश्रा जी, दूसरों की समस्याएं तो बहुत जल्दी दिख जाती हैं, लेकिन अपनी तरफ कोई नहीं देखता है कि वो क्या कर रहा है। यमुना की स्थिति अभी तक बदली नहीं है। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ये राज्य सरकार को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूँ, लेकिन उस समय में क्या होता है, राज्य सरकार अपने ही पद में चूर होती है और उसके ऊपर में कोई काम नहीं करती। आपको केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार सारी फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, पर्यावरण मंत्रालय के साथ आप बैठ करके आप बातें करिए और कैसे दिल्ली की समस्याएं खत्म होगी इसके ऊपर में ध्यान दीजिए। पड़ोसी राज्यों के साथ आपका तालमेल होना चाहिए, पड़ोसी राज्यों के साथ हम कैसे तालमेल बढ़ा करके ऐसी समस्याओं से आप निदान पाए। लेकिन जब 15 अक्टूबर आता है और जब अक्टूबर आती है और दीपावली आती है, उस समय में आप जाकर के हर एक चीज को देखते हैं जो कि नहीं, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। चलिए, मेरे पास समय का अभाव है, चलते चलते एक लाइन में उपासना जी आपसे चाहेंगे एक सवाल जो कि हमारे तमाम दर्शकों के लिए है। अब जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका तात्कालिक समाधान क्या है, लोग किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी? देखिए, तात्कालिक प्रभाव अगर आप चाहते हैं तो वही है कि कम से कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को सड़क पे उतरने दें, और अपनी तरफ से जो कूड़ा और बाकी चीजों का जो आप प्रबंधन कर सकते हैं वो करें। जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त फैलाना लोगों को, क्योंकि एक जहर है जो आपके शरीर में जा रहा है और ये सभी के लिए बराबर नुकसानदेह है, अमीर हो चाहे गरीब हो। तो यही एक इसका रास्ता बचता है और कुछ नहीं। और ये जो भी राजनीति है इससे ऊपर उठकर इसकी समस्या का समाधान करना। बिल्कुल सही आपने कहा कि राजनीति से ऊपर उठना होगा, क्योंकि दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब हो रही है और इसका असर तमाम दिल्ली वालों पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का, और इसी के साथ खास पेशकश दिल्ली की हवा खराब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।